हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, सभी को शुभकामनाएं और जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो चलिए अब हम अपना मंदिर भी कुछ बहुत सजाया हुआ है, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को बैक कैमरा से। तो ये देखिए, ये मैंने छोटा सा मंदिर अपना सजाया हुआ है। तो ये देखिए, ये गुब्बारे वगैरह मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये मैंने लाइटिंग की लाइट भी लगाई हुई है यहाँ पे। तो ये देखिएगा, ये बलून वगैरह सब लगे हुए हैं, जितना हो सका उतना सजा दिया मैंने, क्योंकि कुछ मार्केट भी बंद थी यहाँ पे, क्योंकि योगी जी आए हुए थे ना, इसलिए। तो पहले से कल से ही मार्केट कुछ बंद थी, कुछ बहुत दुकानें खुली थी, थोड़ा मोड़ा सामान ले लिया था। तो ये देखिए, और हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी योगी जी आए हुए थे आज मथुरा में, जन्मभूमि में, तो वो भी, इसलिए हम लोगों ने दुकानों से ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाया, दुकानें कल से ही बंद हो गई थी। तो ये देखिए, ये हमारी लाइटिंग है, ये लाइट की व्यवस्था की है, ये देखिएगा। और आप लोगों को जब मैं कृष्ण भगवान का हमारे जन्म होगा, तो मैं उस समय क्या कैसे करती हूँ पूजा, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने ये वस्त्र पहले बनाए हुए हैं, और ये हमारे घर के कान्हा जी हैं, ये देखिए, अपने घर से मैं लेके आई थी मम्मी के घर। तो ये हमारे कान्हा जी हैं, ये देखिएगा इनके पास से, ये देखिए, और ये देखिए, ये चूहे वगैरह है ना, तो इनकी बंसी निकल जाती है, ये वस्त्र वगैरह लेके आए थे। तो इनको रात में 12 बजे स्नान करा के जब मैं पहनाऊंगी इनको, तो ये देखिए। और आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा, जन्माष्टमी है तो इसलिए मैं ना ये लौकी का हलवा बना रही हूँ, दूध में पका रही हूँ, फिर इसमें मावा भी डालूंगी और कुछ ड्राई फ्रूट भी डालूंगी। और ये देखिए, खरबूजे के बीजे मैंने वो उनको धो लिए हुए हैं, फिर उनको मिक्सी में निकालूंगी। तो आज मैं हलवा बनाती हूँ, आप लोगों को तो बन जाएगा, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं दूध में पका रही हूँ इसको, और दूध में पकाने के बाद मैं इसमें मावा डालूंगी और चीनी डालूंगी। इसके बाद जब मेरा ये लौकी का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और आप लोग कमेंट करके बताना मेरा हलवा कैसा होगा लौकी का। चलिए, हमारी वीडियो में बने रहिए, और बने रहने के लिए धन्यवाद। ये देखिए, अब इसमें मावा पड़ चुका है, और ये देखने में कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये रबड़ी है, लेकिन बट रबड़ी नहीं है, ये हलवा है। तो ये अभी थोड़ा सा और ड्राई करेंगे इसको, तो एकदम फिर ये सूखा हो जाएगा। और इसमें मावा मिला दिया, और अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। और हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है, ये लौकी का है और मावे का। तो चलिए, हमारी वीडियो में बने रहिएगा, और आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने आज बनाया हुआ है। तो मैं उसका पूरी ही बनाऊँगी, उसका प्रसाद भी दिखाऊँगी आपको मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए, हमारी वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखते रहिएगा। अपने मोहल्ले के ही अपने कैंपस के एक मंदिर में आई हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ यहाँ पर बच्चों ने सजाया हुआ है। ये देखिए, इनको स्पर्श भी करते हैं। और ये देखिए, इन लोगों ने कितना अच्छा सजाया हुआ है बच्चों ने। कृष्ण कन्हैया जैसे मुरली बाजी, भारे मन सुख बरसाए, लाज है आज सजी। Thank you.
कैसा लगा हमारा यहाँ का मंदिर, हमारे कैंपस का, तो आप लोग बताइएगा। श्री कृष्णा नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कान्हा जी आ चुके हैं और हमारे यहाँ पे, और मैं इनको नहला रही हूँ। ये देखिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बाप के बिहारी साफ निकल आए। ये देखिए, ये देखिए, तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए उनके कैसे लगे हैं, ये उनके छोटे भाई हैं, वो गंदा हुए हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो दोनों भैया बैठे हुए हैं। ओके, ये देखिए दही है,
उसमें थोड़ी सी मिलाती हूँ। तो ये मैं दलिया और मिश्री का भोग लगाऊंगी। चलिए देखिए हमारे काम कैसे लग रहे हैं। मुझे पसीना बहुत आ रहा है, मंदिर में पूजा कर रही हूँ। तो